गाइज कैसे हैं। एसएससी जीडी 2021 का अभी जो रिजल्ट आया था 12 अगस्त को, तो उसमें जो भी कैंडिडेट सीआरपीएफ के लिए सिलेक्ट हुए थे, तो उनका जो है डिपार्टमेंटल मेडिकल टेस्ट होना है, तो उसके रिगार्डिंग एसएससी ने आज ही ऑफिशियल नोटिस दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो डीएमई और आरएमई जो मेडिकल टेस्ट है वो आपका 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसके रिगार्डिंग ये लिंक दी है जो सीआरपीएफ की वेबसाइट है उसका ये लिंक दिया हुआ है, जिससे आप अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और दी है कि जो आपके एडमिट कार्ड, सभी कैंडिडेट्स को ये बोला है कि जो अपने एडमिट कार्ड है उनकी फोटो कॉपी प्रिंट आउट आप लेके आए, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ये आपका नोटिफिकेशन आया था जो रिजल्ट का, वो ये रहा। इसमें भी ये देख लीजिए बोला था कि जो वेन्यू और जो शेड्यूल है डीएम का वो बाद में बताया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग पहले भी अपडेट आ चुका है, लेकिन आज एसएससी ने ऑफिशियली ये नोटिस दिया हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, और इसके बाद देखो वो जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच जो है, इस वेबसाइट पर जैसे ही हम जाते हैं क्लिक करते हैं वहां कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वहां लिखा हुआ है कि चार आपको जो लेटेस्ट फोटोज हैं वो लेके जानी है और एक आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि ये जरूरी चीज है, प्लस आपका एडमिट कार्ड हो गया, ये आपको वहां पर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इसके बिना एंट्री नहीं होगी। तो अपने जो एडमिट कार्ड है आप देख सकते हैं इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर से, रोल नंबर से, और वैसे भी आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीज थी, किसी के पास अगर अपडेट नहीं पहुंचे हो तो इसलिए मैंने सोचा शेयर कर दूं, और सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वहां शेयर कर देता हूं। ठीक है।